हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं मोशन। तो देखिए, सबसे पहले मोशन अपन डिफाइन करते हैं कि मोशन क्या होता है। तरीके से डिफाइन करेंगे कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज कॉल्ड मोशन। क्या मतलब होता है इसका कि देखिए, पहले हमने देखा जीरो टाइम पे तो जीरो डिस्प्लेसमेंट था, फिर 1 सेकेंड के बाद देखा हमने यहां पे हो सकता है 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था, फिर हमने दूसरे सेकेंड में देखा यहां पे हो सकता है 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था। इसका मतलब क्या हो रहा है, बॉडी मोशन में है, मूवमेंट हो रही है। और मोशन में कब नहीं होगा, अगर मैं देखूं कि देखो मैंने देखा कि 0 सेकेंड में 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ था, 2 सेकेंड में फिर से 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तीसरे में अभी भी 0 ही है, 4 सेकेंड में फिर से 0 है, तब लोग क्या बोलेंगे कि ये रुका हुआ है ये बॉडी। ओके, तो ये बात हो गई मोशन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि 2 टाइप के मोशन पॉसिबल है। एक है, पहला है यूनिफॉर्म और दूसरा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। थोड़ी बहुत आपको जानकारी होगी कि यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, फिर भी अपन यहां पर डिफाइन कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे व्हेनेवर देयर इज whenever speed is constant in a fixed direction का मतलब होता है in a straight line the motion is called यूनिफॉर्म मोशन। कॉन्स्टेंट स्पीड चाहिए। कॉन्स्टेंट स्पीड का मतलब होता है कि ना स्पीड बढ़ना ना स्पीड का घटना। मीन्स अगर अपन बात करें कि इस समय पे एक्सीलरेशन क्या होता है, तो एक्सीलरेशन होता है 0। मीन्स गाड़ी ना स्पीड हो रही है, बढ़ रही है, ना स्पीड कम हो रही है। जिस स्पीड में था वही स्पीड हर जगह मेंटेन रहेगा। जैसे मैं बोलूं कि देखो 0 सेकेंड पे मैंने देखा कि उसकी वेलोसिटी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, देखा फिर से 2 मीटर पर सेकेंड, 4th सेकेंड पे देखा फिर से 2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ना घट रही है ना बढ़ रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये है यूनिफॉर्म मोशन। एक और कंडीशन मैंने आपको बता रखा है, एक है कि इन अ फिक्स डायरेक्शन, या फिर आप बोल सकते हो कि इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो फिर से अपन बोलेंगे ये यूनिफॉर्म नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म में कैसे बताएंगे कि whenever there is a change in speed that is acceleration is not equal to 0, then the motion is called non-uniform motion। अब देखिए, यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो आपको फॉर्मूला यूज करना है। एक ही फॉर्मूला है यूनिफॉर्म मोशन के लिए कि स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म रहता है तो आपके पास 3 फॉर्मूले होते हैं जो कि अपन डिराइव करेंगे। पहला फॉर्मूला है v = u + at, दूसरा है s = ut + ½at² और तीसरा फॉर्मूला है v² = u² + 2as। एक एक करके अपन इसको भी डिराइव करने वाले, बट ये बात समझ लें कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता है। यहाँ पे हमारे पास एक ही फॉर्मूला है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको स्पीड चाहिए तो आप बोलिएगा डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम चाहिए तो आप बोलोगे डिस्टेंस बाई स्पीड। आप इसको
आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, तीन तीन फॉर्मूले बन सकते हैं, बट एक फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, इसे तीनों बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे तीन अलग अलग फॉर्मूले हैं, तीनों हम लोग को याद रखना है और हम लोग इसको डिराइव भी करने वाले हैं। यहां तक कॉपी करें फिर आगे देखते हैं। आइए अब अपन देख लेते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस को देखिए कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि द लेंथ ऑफ द पाथ, द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो ध्यान दीजिए यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे हमने लिया है दो पॉइंट के बीच में अपन एक पाथ बना लेते हैं। कैसा भी पाथ हो सकता है, सपोज ये पाथ वन है तो इसका जो लेंथ होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। दूसरा मैंने इसी दो पॉइंट के बीच में एक रास्ता बना लिया, ये है हमारा रास्ता जिसको अपन बोलेंगे पाथ टू। इसका भी डिस्टेंस कुछ और हो सकता है, हो सकता है कि मान लीजिए ये 5 मीटर हो, ये हो सकता है 15 मीटर हो, और रास्ता बना लीजिए हो सकता है ये 8 मीटर का रास्ता हो, ये पाथ थर्ड है। तो क्या हो रहा है, दो पॉइंट के बीच में आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे रास्ते बन सकते हैं, बहुत सारा पाथ हो सकता है, और उस पाथ की लेंथ को क्या बोलते हैं अपन, डिस्टेंस बोलते हैं। तो अपन कभी नहीं बोल सकते कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप रास्ते बदल दीजिए आपका डिस्टेंस बदल जाएगा। लेकिन अगर अपन बात करें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो मैं यहां पर लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा उसी को अपन डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। चलिए अपन देखते हैं कि इसी दो पॉइंट में देखते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है। तो देखिए ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हो सकता है इसको अपन बोलेंगे कि P4, और ये सपोज आता होगा 2 मीटर। शॉर्टेस्ट बोला है एक ही होना चाहिए, शॉर्टेस्ट बोला है तो सबसे छोटा रास्ता, तो सबसे छोटा रास्ता ये है P4, और इसको बोलेंगे अपन कि ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए चूंकि अपन बोल रहे हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये, मतलब सबसे छोटा रास्ता है, तो मैं बोलूं कि हमेशा ऐसा होगा कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से या फिर बराबर हो सकता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा है और डिस्टेंस छोटा है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होगा या बराबर हो सकता है डिस्टेंस का। दूसरी एक और चीज अपने को यहां पे लिखनी है कि डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर होता है, और इसको बोलते हैं अपन वेक्टर। अब मैं आपको बताता हूं कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। तो देखिए स्केलर और वेक्टर क्या होता है, तो स्केलर क्वांटिटी होती है द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। जैसे अगर मैं बोलूं कि केवल मैग्नीट्यूड, अच्छा मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। जैसे मैं बोलूं कि मास, तो मास की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सपोज 5 kg हो सकती है, 10 kg हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके की जो चीज है इसको अपन क्या बोलते हैं कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। अब देखते हैं कि केवल मैग्नीट्यूड के अलावा और क्या हो सकता है। तो पहले मैं वेक्टर को डिफाइन कर लेता हूं, फिर कुछ और एग्जांपल्स भी बताता हूं। वेक्टर इसमें क्या बोलेंगे कि अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन
The physical quantity having magnitude as well as direction is called vector. अब example अपन देखते हैं यहाँ पे कि example क्या हो सकता है कि magnitude भी होनी चाहिए और direction भी होनी चाहिए. जैसे मैं बोलूँ velocity. वेलोसिटी का मतलब होता है कि उसकी एक वैल्यू होगी लाइक 5 मीटर पर सेकंड और उसका एक डायरेक्शन भी होगा. सपोज हो सकता है कि टुवर्ड ईस्ट और एनी डायरेक्शन. और कोई चीज लेके देखिए, अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली बात होती है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगी. मान लीजिए ये 2 मीटर था लास्ट वाले एग्जांपल में, अपन ने देखा था कि 2 मीटर का आपने लिया था एग्जांपल, तो 2 मीटर यहाँ पे ले रहा हूँ. और डिस्प्लेसमेंट चूंकि ये सबसे छोटा रास्ता है तो क्या होना चाहिए कि इसका एक डायरेक्शन भी होना चाहिए. अगर आप किसी को बताओगे कि देखो इन दो जगह के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, तो आपसे पूछेगा कि किस डायरेक्शन में जाएंगे, तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जब आप बोलते हो तो डायरेक्शन भी साथ में आ जाता है. तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, टूवर्ड वेस्ट बोल देता हूँ. तो ऐसी जो क्वांटिटीज होती हैं इनको अपन बोलते हैं वेक्टर. और स्केलर में क्या होता है, मास होता है, केवल उसमें क्या हो सकता है मैग्नीट्यूड होगा. जैसे अपन ने लिया था एग्जांपल मास, अगर मैं बोलूँ 5 kg तो कोई नहीं पूछेगा कि किस डायरेक्शन में. दूसरा अगर मैं बोलूँ कि लेंथ है 5 meter, अगेन लेंथ है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा. तो ऐसे कोई भी क्वांटिटी क्या होंगे, स्केलर होगा. और वेक्टर के लिए डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, ऐसे जितने क्वांटिटीज होंगे जिसमें डायरेक्शन भी साथ में आता है, इसको अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, सो कॉपी करें फिर आगे देखते हैं. आइए अब अपन देखते हैं एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि द टोटल फॉर्मूला लिख देता हूं. एवरेज स्पीड द टोटल टाइम टेक, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसको अपन बोलते हैं एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे कि एक पर्सन है जो ए से बी तक जा रहा है और फिर रिटर्न हो रहा है, पहले गया और फिर रिटर्न हो गया यहीं पे. तो मुझे बताइए कि इस केस में जाते समय उसकी स्पीड थी, जाते समय उसको टाइम लगा है 1 घंटे 1 आवर, और लौटते समय उसको टाइम लगा है 2 घंटे, और वो गया है 30 किलोमीटर. क्वेश्चन आपको समझ में आ गई कि द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 30 किलोमीटर, और उसको जाने में कितना लगा है, 1 आवर्स लगे और आने में 2 घंटे लगे. तो देखते हैं कि इसकी एवरेज स्पीड कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे. तो लिखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस गया और आया, मतलब 30 + 30 हुआ, टोटल टाइम कितना लग रहा है 1 आवर + 2 आवर, दैट इज 3 आवर्स. सो आपके पास यहाँ पे क्या आता है, 60 / 3. सो आप बोलोगे यहाँ पे कि 20, दैट इज 20 km/h. पहला एग्जाम्पल अपन ने देख लिया. अब एक देखते हैं जिसमें मैं डायरेक्ट कुछ ना नहीं दूंगा, आपको थोड़ा चेंज करके दूंगा. तो कैसे, तो देखिए फिर से कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अगेन 30 किलोमीटर, और ए टू बी जब वो जा रहा था तब उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर/h, लौटते समय वो थोड़ा फास्ट चला और आ रहा है 40 किलोमीटर/h की स्पीड में. तो हमें बताना है कि यहां पे एवरेज स्पीड कितनी होगी. कैलकुलेट करते हैं अगेन. एवरेज स्पीड के लिए चाहिए आपको टोटल टाइम, टाइम आपके पास है नहीं, तो मैं निकालता हूं कि टाइम वन क्या है, तो जाने वाला टाइम कैसे मिलेगा. तो चूंकि यहां पे मैंने बताया आपको कि ये चेंज नहीं हो रही है स्पीड, तो ये कौन सा केस आता है, ये आता है यूनिफॉर्म मोशन. और यूनिफॉर्म मोशन में अपन एक ही फॉर्मूला जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय, और डिस्टेंस हमने यहां पे दे रखा है कि डिस्टेंस बाय स्पीड. स्पीड कितनी है 30, तो जाने में लगा है इसको 1 आवर्स. अब देखते हैं आने में उसको कितना टाइम लगा है. अगेन डिस्टेंस, आने के लिए भी डिस्टेंस 30 किलोमीटर ही है, और स्पीड उसकी कितनी है, इस पर 40 है, तो ये हो जाएगा 3/4 आवर. अब देखते हैं कि एवरेज स्पीड कैसे मिलेगा अपने को. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब 30 + 30,
और टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 1 आवर प्लस 3/4 आवर। तो ये कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई, इसको आप कैलकुलेट करें, ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7 7/4, और इसको कैलकुलेट करने पे आता है 60 × 4/7, 6 × 4 = 24, 240/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको डेसिमल में आप ला सकते हो। सो दो ऐसे एग्जांपल लिए हैं, आप इस तरीके के और एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर सकते हो। आइए अब अपन देखते हैं ग्राफ, कि ग्राफ कैसा अपन बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राफ। सबसे पहले अपन देख रहे हैं ग्राफ कौन सा, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर आप इसको बोलो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बेहतर होगा। तो अपन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पे लिया है 1, यहाँ पे 2, 4, अगेन यहाँ पे 1, 2, 3 और ये यहाँ पे 4। आपने देखा कि एक मिनट में वो चला था 1 मीटर, 2 मिनट में चला 2 मीटर, 3 मीटर में टोटल डिस्टेंस उसने चला है 3 मीटर, 4 में चला है टोटल 4। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये इसका ग्राफ हो जाएगा ऐसा। अब बताइए कि इस टाइप का ग्राफ हो, मीन्स स्ट्रेट लाइन हो और पासिंग थ्रू ऑरिजिन हो। यहां पे लिख देता हूं मैं कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन का मतलब होता है कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। दूसरी बात है कि ये है यूनिफॉर्म मोशन। क्यों यूनिफॉर्म मोशन, देखो एक मिनट में 1 मीटर, 2 मिनट में 2 मीटर, 3 मिनट में 3 मीटर, 4 मिनट में अगेन 4 मीटर। आपको समझ में आ रही है कि स्पीड नहीं बढ़ाया जा रहा है ना ही कम किया जा रहा है। तो आपको पता है कि स्पीड ना बढ़ाया जाए ना कम किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा मोशन होता है, वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्योंकि ये वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0 सेकंड में जब स्टार्ट किया गया देखना, ऑब्जर्व करना, तब देखा गया कि जब स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तो उसका डिस्टेंस भी 0 कवर किया हुआ था। इसका मतलब उसने स्टार्ट कर रहा है वो बॉडी मोशन, इसका मतलब हो गया कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। तो पहले ग्राफ को अपन ने समझ लिया। दूसरा ग्राफ देखते हैं कि दूसरा ग्राफ कैसा हम लोग को दिखता है। तो अगर मैं देखूं यहां पे कि देखो ये ही ग्राफ आपको ऐसे दिखे, यहां पे मैं ले रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, यहां पे आप मेंशन कर दीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। यहां पे भी देखिए ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम। सो 1, 2, 3, 4 आपने देखा पहले मीटर में 5 मीटर था, 0 टाइम पे भी 5 मीटर था, 1 मिनट के बाद देखा फिर से 5 मीटर ही गया हुआ था, 2 मिनट के बाद देखा फिर से 5 मीटर ही गया हुआ था। कैसे पता चल रहा है मुझे 5 मीटर गया हुआ था, तो यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड ऐसे दी हुई होगी कि ये 5 मीटर है। यहाँ पे आपने देखा 1 के लिए इतना है, 2 के लिए इतना है, 3 के लिए अगेन इतना और ये 4 के लिए। तो आप देख रहे हो कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन उसका डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये रुका हुआ है। तो ऐसा जब भी ग्राफ रहेगा तो आप बोलोगे बॉडी रेस्ट पे है। एंड हाँ, बस एक बात आपको बताना है कि बॉडी एट रेस्ट। तीसरा ग्राफ कैसा रहेगा कि तीसरा ग्राफ मान लो ऐसा दिया हुआ है। तो देखो इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि 1 मीटर पे 1 मिनट पे था, 1 मिनट पे आपने क्या देखा कि ये गया हुआ था लाइक 1 मीटर। फिर आपने देखा कि 2 मिनट में वो गया हुआ है 1, 2, 3 मीटर। फिर से आपने देखा तीसरे मिनट 3 मिनट में उसने गया हुआ है 4, 5, 6, 7 मीटर। क्या लग रहा है, देखो 1 मिनट में पहले गया 1 मीटर, फिर अगले एक फिर टोटल 2 मिनट में उसने कितना चला गया, 3 चला गया, स्पीड बढ़ी होगी। फिर से आपने देखा कि 3 मिनट में 7 गया, स्पीड और बढ़ी हुई है, मतलब स्पीड का चेंज होना, दैट इज यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन 0 नहीं है। तो एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। ये कैसा मोशन होगा, ये होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो देखिए ऐसे बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं। और अपन एक बात कर सकते हैं चौथी बात कि देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि ऐसा जा रहा है और ये ऐसा जा रहा है,
और ये है आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे क्या हो रहा है कि ये है टाइम। बताइए ये क्या हो रहा है, यहां पे क्या बातें समझ में आ रही हैं इस ग्राफ से? इस ग्राफ से समझ में आ रहा है कि देखो क्या हुआ कि जब पहले मिनट में देखा गया तो ये यहां पे था, मान लो ये 1 मीटर होगा। दूसरे मिनट में देखा गया तो ये यहां पे था, मतलब सपोज 2 मीटर होगा। ये इतना दूर यहां से यहां तक, ये क्या बताता है कि गाड़ी आगे बढ़ रही है। और क्या हो रहा है कि बॉडी स्टार्ट हुआ था रेस से, मतलब स्टार्ट होके कहां तक गया तो कुछ डिस्टेंस चला। और फिर देखा गया कि तीसरे चौथे मिनट में यहां पे देखा गया कि इसका डिस्टेंस फिर से कम हो गया, मतलब ये लौट के आ रहा है। और ये यहां पे फाइनली क्या हो जाएगा, वो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच जाएगा। तो आप यहां पे लिख दें इसके लिए कि तो मैं आपको क्या बता रहा था कि यहां पे क्या होता है कि ये बॉडी रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। सो ये चार टाइप के हमने ग्राफ देखा। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात अपने को डिस्कस करना बच गया कि देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आपको निकालना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कि टोटल डिस्टेंस 4 मिनट में इसने कितना कवर किया होगा, तो आप क्या बोलते हो कि ये आप यहां पे देख लोगे, ठीक है। चलो पहले आप यहां तक कॉपी करो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, अगर आप यहां पे स्लोप निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या देगा, वो देगा वेलोसिटी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, अपन डेरिवेशन में इसको यूज करेंगे। दूसरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप स्लोप निकालोगे तो ये देगा आपको एक्सीलरेशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप एरिया निकालोगे तो ये आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। दूसरा एक और अपन तीसरा अपन ग्राफ देखना है, कौन सा, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर रहा तो इसमें अपन स्लोप अगर निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा वेलोसिटी। ये बातें आपको याद रखनी है, ये अपन डेरिवेशन में भी यूज करने वाले हैं। यहां तक कॉपी करें फिर आगे देखते हैं।